नया IBN 7 हौसला है. Which of course is causing problems for our chief ministers. We then also discussed the UPA, our own UPA programs, the yojanas, which have actually been appropriated by the Modi government with slight changes here and there. We discussed what is the effect on the state, particularly because the financial allocation for these programs has been slashed. It has been slashed in very important areas like women and child development, health, education, across the board, all the important yojanas of the UPA. Again, naturally causing problems for our states. We have then discussed also the fact that we are now celebrating, we have been celebrating the Jawaharlal Nehru 125th birth anniversary, which will conclude in November. And we have launched the inauguration of the program celebrating Dr. Baba Saheb Ambedkar 125th birth anniversary, for which there was a program in Mahu in Madhya Pradesh, which was attended by Rahulji and other colleagues. We have then a resolution pointing out parts of our discussions and our demands of the UPA government. We will be circulating the resolution, and here are some of our chief ministers if you wish to ask them some questions. Thank you. Sonia Gandhi, Congress के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात के बाद ये कह रही थी कि हमारी योजनाओं को ही अलग नाम से बीजेपी की सरकार ला रही है. तीन चार चीजें उठाई गई मीटिंग में. यूनिवर्सली सीएम्स ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि सीएम्स को पैसा दे रही है, मगर एक हाथ से देती है पैसा, दूसरे हाथ से लेती है, पीछे आगे से देती है पीछे से लेती है. तो ये बात उठी. दूसरी बात उठी कि जो हमारे किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनको सरकार बिल्कुल भूल गई है. तो हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि जो गैप दिल्ली की सरकार बना रही है, उनका फोकस गरीब जनता पे, कमजोर जनता पे होना चाहिए. सीएम ने लैंड बिल पे भी बात की, मेक इन इंडिया के बारे में बोला, मेक इन इंडिया के बारे में बोला कि भाई बहुत अच्छा लोगो है, बहुत बड़ा शेर है, मगर शेर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उसमें कुछ हुआ नहीं है, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है. और रोजगार जो आना चाहिए था, जो मोदी जी ने वायदे किए थे रोजगार के वायदे, वो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है. तो ये चीजें उठी थी. दो तीन चीजें हमने गरीब लोगों के बारे में भी कही, एससीज एसटीज पे फोकस करने की बात कही. तो ये चर्चा हुई, काफी अच्छी चर्चा हुई, यूजफुल चर्चा हुई. अगले कदम क्या होंगे, क्या करेंगे मुख्यमंत्री जाकर के अपने? नहीं, वो तो देखिए, ये बीजेपी में और हम में एक बहुत बड़ा फर्क है. हम अपने चीफ मिनिस्टर्स को, अपने लोगों को इंडिपेंडेंस देते हैं, तो हम इनको यहां से नहीं बताते हैं कि इनको एग्जैक्टली क्या करना है. ये एक्सपीरियंस लोग हैं, सीनियर लोग हैं, ये जानते हैं अपने स्टेट्स को कैसे चलाना. हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और एक दूसरे से हम सीखने का काम करते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.